मोहम्मद रफी साहब को कितना दुख हो रहा होगा अभी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है एक्चुअली मैरिज डे, दूल्हा, ये रहा हमारा भाई दूल्हा, और वीडियो डाल दूंगा। हमने रात में खूब मस्ती करी, खूब डांस किया, घूमने फिरने गए बाहर जैसे आपने देखा ही। अब सुबह चाय वाय पी के अब करेंगे शादी की में जाने की तैयारी। ये है जी गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन बस अड्डा जी, मिनी बस अड्डा, उसके सामने ही हमारा भारत भूमि और उसके बगल में तंदूरी नाइट्स और उसके बगल में कुकरेती होटल, एक से एक जगह है यहाँ पे। और हम यहाँ पे फिलहाल चाय पी रहे हैं। रे दूल्हे रे, पहुंच गए वेन्यू पे दोस्तों। ये देखो एंट्री हो रही है दूल्हे राजा की। अब हो रहा है मोल भाव, हो रहा है मोल भाव, एंट्री का मोल भाव। चलो भाई पैसे दो। वो देखो जी झूला झूल। पंडित जी बुला रहे हैं झूले राजा को। हिंदी गाने पहाड़ी टोन में आप सुन लो। मोहम्मद रफी साहब को कितना दुख हो रहा होगा अभी। ये दूल्हा दुल्हन इतनी फोटो खिंचवा रहे हैं, इनको चिंता नहीं, लोग वेट कर रहे हैं उसकी। आ जाओ भाई दोनों। वो आ गए भाई, दूल्हा दुल्हन आ गए हमारे। कहाँ गए? अरे बोरे ये दही बल्ला टाइम। चाट की बना भाई, चाट की, और उसका अगला हमला चाउमीन पे। दाल तड़का और बना भाई, तड़का दो भाई, दाल को तड़का दो। लंच टाइम। भैया शादी खाने नहीं छोड़ सकते, कितना भी डाइटिंग कर लो, लेकिन शादी खाना देखते ना कंट्रोल नहीं होता, खाते हैं। ये प्रदीप के पापड़ लाए भैया, ये प्रदीप ने एक काम किया, पापड़ लाए, देखो कैसा लाए, ढंग से बना भी नहीं है, हद हो गई। ऐसी हैं। अब आ गए भाई दूल्हा दुल्हन, ना ये सो गए थे दोनों, अब ये आ गए फेरे के लिए। आ गए भाई। ये अभी से पीछे चलने लग गया उसके भाई, भाभी पीछे चलने लगे। तो दोस्तों अभी मैं हूँ चिड़ियापुर रेंज में, जो पड़ता है हरिद्वार और कोटद्वार के बीच में, और आपको पहले दिखने लग गया होगा क्या बढ़िया व्यू है। अभी एक्चुअली सनसेट हो रहा है और बहुत ऑसम व्यू है यहाँ पे, तो मुझे रुकना पड़ा ताकि मैं आपको व्यू दिखा सकूँ। ये देखो देखो दोस्तों, अमेजिंग, देखो क्या बढ़िया व्यू है।
ये देखो बंदर भी यहाँ पे आ रखा है खाना खाने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है भाई। और ये देखो सामने पहाड़ी, पूरी मसूरी वाली रेंज है ये जो कोटद्वार तक आती है, पूरे राजाजी नेशनल पार्क। और तो ये यहाँ से लेके हरिद्वार से पूरा हरिद्वार तक, तो ये कोटद्वार लैंड जोन सारा, तो हरिद्वार हम मेरे को साइड जाना है। तो ये रे बंदर, अरे भाई भाई भाग्य डर गया। और ये खड़ी अपनी नोजोमी, अभी बहुत राइड करने वाले हैं हम, इसके अलावा देहरादून में भी बहुत सारी राइड करेंगे और आपको घुमाएंगे केदारनाथ। चलते हैं आगे। तो दोस्तों घर पहुंचने में डिले हो गया, बाइक हो गई बंद क्योंकि हो गई बैटरी कम, बाइक की बैटरी हो गई डाउन और बाइक हो गई बंद, फिर कार की चौक पर रुका हूं मैं। ये बैटरी मैंने नहीं ली थी अभी। तो दोस्तों कार की चौक में हूं मैं यहाँ, लकीली मतलब कि जब बाइक मतलब धीरे मतलब ये पिछले 8-10 किलोमीटर पहले पहले इसने बैटरी का मुझे ज़्यादा ही बैटरी के पहले एरर दिया, तो मेरे को लगा चलो ठीक है बैटरी तक करता एटलीस्ट पहुँच जाऊँगा। बट उसके बाद क्या बैटरी का एरर आया, उसके बाद ABS का एरर आया, फिर बाकी एरर आए, और उसका धीरे धीरे पहले हाई बीम में ऑफ हुई, फिर लाइट और इंडिकेटर ऑफ हुए, धीरे धीरे करते 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 मीटर ऑफ हो गया, एंड देन लास्ट में जैसे ही कारी चौक पहुँचे शॉप के आगे बाइक बंद। ये देखो यहाँ पे इस शॉप पे के सामने बाइक बंद हुई बिल्कुल यहाँ पे, तब चार्जिंग में लगाई बैटरी। कह रहा है भाई की बैटरी शायद ख़राब हो गई है, बट देखो काफ़ी दिन से चली नहीं बाइक, तो देखो क्या होता है। अभी फिलहाल चार्ज है, कल देखते हैं, फिर सर्विस भी करानी थी। तो दोस्तों कल घर आ गया था टेम्परेरी काम करा के, तो अभी जा रहा हूँ TVS के सर्विस सेंटर, देखता हूँ बाइक यहाँ पे अगर हो जाएगी, घर के पास है यहाँ पे, बाइक को ठीक कर देंगे या सर्विस कर देंगे, अदरवाइज दूर जाना पड़ेगा। यहाँ पे है आशीष TVS देहरादून में, देखो यहाँ पे कुछ हो सकता है नहीं हो सकता। तो अभी जा तो रहे हैं दो लड़के मेरे साथ TVS के, और अच्छा फटाफट हेल्प कर दी उन्होंने, अभी जा रहे हैं वैसे बाइक पुश करके लाएंगे। धक्का मार के ले जा रहे हैं भाई, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, देखो क्या होता है इसका। तो दोस्तों देखा जैसे आपने, बाइक तो हो गई स्टार्ट नहीं हो रही, तो ले जा रहे हैं धकेल के, अब ले जाते हैं शोरूम में, देखते हैं क्या हिसाब किताब बनेगा, कब तक रिपेयर होगी। ऐसे आज शाम तक हो जाएगी, बट सर्विस भी ड्यू है इसकी, चलो देखते हैं क्या होता है। वो जा रही है बाइक, स्टार्ट करने की कोशिश करें लेकिन हो नहीं रही। चलो बाइक तो स्टार्ट हो गई, अब देखो जी, अरे दोबारा बंद हो गई, प्रॉब्लम तो कुछ सॉल्व हो गई है क्योंकि अब बाइक हो रही है स्टार्ट। तो अभी पता नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, बैटरी चार्ज करके चेंज करके देखा है, कुछ कुछ चेक भी किया है, तो देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स बाइक पहुंच गई है दून मोटर्स रिपेयर होने के लिए, वहीं जा रहा हूँ अब, यहाँ से पकड़ना है मुझे 3-व्हीलर जिसे बोलते हैं विक्रम देहरादून में।